अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, हाउ आर यू। मैं आपकी सिंधी टीचर। आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 खोलिए, आमरिया जोदड़ो। हम आज पढ़ेंगे आमरिया जोदड़ो। जैसा कि बच्चों आपने मोहनजोदड़ो के बारे में भी सुना होगा, इसी तरह से आमरी जोदड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे। आमरिया जो गोठ मांझन तालुक के ज़िले जामशोरों में आए, ही गोठ आमरी रेलवे स्टेशन का 1 किलोमीटर खण उभर तरफ आए। के ज़माने में यह गोठ सिंध जो मशहूर आलीशान शहर हुंदो हो। इनमें बाग, बंगला, महल, माड़ियों हुंदियों हुयों। अज यो शहर एक नंढड़े गोठ दड़े जी सूरत में आए। ही वसंदड़ शहर किडें बर्बाद थियो तण जो पूरो पतो कोने, पर हिंदड़े जी खोटाई कंदे जेके शयूं हथ आयूं आहिन तन के डिसे महरन अंदाजो लगायो आहे त ही शहर अटकल 5-6 हज़ार साल अग आबाद हो। दड़ो के मीनिंग में आपको बताती हूँ कि माउंड ऑफ द डेड, ठीक है, यानी मुर्दों का टीला, इसका आमतौर पर यही मीनिंग है। आमरी गोठ मांझन तालुक के ज़िला जामशोरों में है। ये आमरी रेलवे स्टेशन से 0.5 किलोमीटर मशरक़ की तरफ जाएं तो आता है। किसी ज़माने में ये गोठ एक सिंध का मशहूर और आलीशान शहर था। इसमें बाग, बंगला, महल यानी पैलेस, माड़ियों यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। आज ये एक छोटी सी गांव की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये हस्ता बस्ता शहर कब बर्बाद हुआ इसके बारे में कोई मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन इस टीले को खुदाई के बाद जो चीज़ें मिली हैं उनसे माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि ये शहर तकरीबन 5-6 हज़ार साल पहले आबाद था। हिन दड़े जे आसपास केतरा ई नंढड़ा दड़ा ॾिसण में अचनि था, जिन मां ओल तरफ वारी दड़े मां चकमक जा घड़ियल ऐं टुकियल पत्थर बि हथ आया आहिनि। इन्हनि मां इहो अंदाज़ो लॻायो वियो आहे त हीउ दड़ो मुंहिंजो दड़े खां बि झूनो आहे। हिन दड़े जी खोटाई कंदे बि 2 तह नज़र आया आहिनि। हिकु तह 4 फुट ओणो ऐं ॿियो तह 6-7 फिट ओणो हो। इस दड़े के इस टीले के आसपास जो छोटे छोटे टीले भी नज़र आ रहे हैं, ये सब इसके मशरक से शुमाल की जानिब जाते हैं। ये चकमक कहते हैं, ये जो हम आप लोग ये लगाते हैं मकनातीस के पत्थर और दूसरे दीगर पत्थर भी हाथ लगाए आए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मोइंजो दड़ों से भी ज़्यादा पुराना है। जोनों की मीनिंग है कदीम, पुराना। इस टीले की खुदाई से जब खुदाई की गई तो इसकी 2 तह नज़र आईं, जो कि 4 फिट गहरी और दूसरी तह 7 फिट गहरी थी। मथियन दड़े माटकल 100 ठुकर जा थाऊं हथाया, जिन जो रंग गाढ़ो आहे। किन ठुकर जे थाऊं ते गुलकारी पनाए ऐं किन ते जाबलो बकर जूं तस्वीरूं उकरियल आहिनि। इन थाऊं खां सवाइ ॿियूं बि केतिरियूं शयूं लदियूं आहिनि, जिन में मटीअ मां ठहियल रांदीकनि वारियूं गाॾियूं, ढगण जो मूर्तूं ऐं मोहरूं शामिल आहिनि। जेकॾहिं सॼे दड़े जी खोटाई थिए त अञा बि वधीक झूनियूं शयूं हथ अचे सघनि थियूं, जिन मां घणो कुझु मालूम थी सघे थो। तो बच्चों इसमें बताया गया है, जब इसकी खुदाई की गई तो इसकी पहली तह में जो चीज़ें मिली उनमें मिट्टी के बनाए हुए 100 तकरीबन बर्तन हाथ लगे, जो कि सुर्ख रंग के थे और मिट्टी के बने हुए गुलकारी की चीज़ें थी। ख़ास तौर पर एक पहाड़ी बकरे की तस्वीरें बनी हुई थी उन बर्तनों पर, जो थी किसकी तस्वीर बनी हुई थी, पहाड़ी बकरे की। और इनके अलावा दूसरी बहुत सी चीज़ें लदियों यानी मिली, खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली उसे सिंधी में लदियों, और बहुत सी चीज़ें भी मिली। इनमें मिट्टी के बनाए गए खिलौने, बैलगाड़ियाँ और जो के बैलों की तस्वीरें बनाई गई थी, जिन पर एक ख़ास किस्म की मोहरें थीं। ये बच्चों उसी तरह से जिस तरह से मोइंजो दड़ो के बारे में पढ़ते हैं। जे किटे सज्जे दड़े जी, अगर आज भी इस दड़े की, इस टीले की खुदाई की जाए तो हमें बहुत सी पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं और बहुत सी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आमरिया जो दड़ों के बारे में पढ़ा कि कैसे दुनिया तबाह बर्बाद होती है और उसके आसार कैसे मादूम हो जाते हैं, फिर कैसे हम दरियाफ्त करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है।
थैंक यू।